तो हम बात करेंगे इस पिवट टेबल में रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के क्या होगा कि मेरे पास क्या है कि कई सारे शीट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट का शीट है, यहाँ सेल्स का शीट है, और यहाँ पे कस्टमर का शीट, तीन अलग अलग शीट, राइट। अब तीनों शीट के जी ऊपर जो डेटा है ना वो रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर जो आपका पीआईडी क्या है, पीआईडी वो आपके प्रोडक्ट के अंदर में अवेलेबल, और सेल्स के अंदर जो सीआईडी है वो आपके कस्टमर के अंदर अवेलेबल, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस डेटा सिंपलाइजेशन इसको हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन डालूंगा, तो हमारे प्रोडक्ट का अगर 10 कॉलम का इंफॉर्मेशन है तो डेटा क्या होता है, 10 कॉलम बार बार रिपीट होगा ना सर। जी और इसी तरह से कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिपीट होगा, तो हमने कस्टमर का आईडी और प्रोडक्ट की आईडी डाल दी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी हम इन टेबल्स, जैसे वी लुकअप हम लगाते हैं ना एक्सेल में, ऐसे रिलेशन करके मैं उठा लूं। तो ओके वही रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि तीनों का तीनों टेबल रिलेट कैसे है। तो इसके लिए जी आपको जाना होगा डेटाबेस टूल्स के अंदर। इसके अंदर आपको जी रिलेशनशिप दिखेगा। रिलेशनशिप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये आपका डेटा आ गया, हालांकि एक पहले से रिलेटेड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो मेन टेबल कौन सा है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे टेबल हटा, ये सब टेबल पहले से कनेक्टेड था, इसको हटा फोन। अब यहाँ पे ऐड टेबल्स पे क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, ऐड टेबल्स। एडिटेबल ऐड टेबल्स पे मैंने सिलेक्ट कर लिया सेल्स को, प्रोडक्ट को एंड कस्टमर को। तो सेल्स हमारा जी मेन है ना, तो मुझे सेल्स से बाकियों को लिंक करना है। जी तो जी मैं सेल्स की जो पीआईडी है उसको उठाऊंगा और प्रोडक्ट के पीआईडी के ऊपर जस्ट ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके क्या कर देना है, जस्ट ड्रॉप कर देना। ड्रॉप अब इसमें और भी चीजें हैं, इसको इसको तो फिलहाल छोड़िए। इसमें एक आपको दिखेगा ज्वाइन टाइप, कि जो रिलेशन कर रहे हैं कैसा, किस तरह का रिलेशन है आपका। तो इसमें क्या है, ओनली इंक्लूड रो वेयर द ज्वाइन फ्रॉम बोथ आवर टेबल इक्वल्स, मतलब कि हम ज्वाइन कर रहे हैं और डेटा जो हम शो करेंगे, हम वही डेटा शो करेंगे जो प्रोडक्ट में भी है और सेल्स में भी। ऐसा प्रोडक्ट आईडी मैं शो ही नहीं करूंगा जो सेल्स में है बट प्रोडक्ट में नहीं है, या प्रोडक्ट में है सेल्स में नहीं है। दूसरा होता है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड ओनली रिकॉर्ड ऑफ द सेल। और तीसरा है कि इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम सेल्स एंड ओनली रिकॉर्ड वेयरिंग द प्रोडक्ट। तो सेल्स हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम तीसरा प्रोडक्ट ज्वाइन टाइप लिए हैं और इसको हम क्रिएट कर दिए। उसी तरह से हम सीआईडी को उठाया और सीआईडी को उठा के ऊपर हम किस में रख दिए, कस्टमर में रख दिए। और ज्वाइन टाइप में भी हम वही सिलेक्ट करते, तीसरा रख, ठीक है, एंड जी क्रिएट। जी अब ये आपका ज्वाइन। अब रिलेशनशिप को मैं यहां पे सेव करके क्लोज कर देता हूं, कर दिया। अब जो है जी मेरा यहाँ पे इसको तीनों को क्लोज करता हूँ, अब ओपन। जैसे हम सेल्स को खोलते हैं तो नॉर्मल दिख रहा है, अब मैं जी प्रोडक्ट को खोलता हूँ। अब प्रोडक्ट में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये आपका प्लस का सिंबल आ रहा है। मैं यहीं से देख सकता जी हूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं, जी देख गया। जी इसी को कहा जाता है सब शीट, क्या बोला जाता है, सब शीट। सब जैसे यहाँ पे देखे थे हम सब शीट मोर पे, तो सब शीट आपको दिख रहा है ना, सब शीट। जी तो सब शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ किसका किसका सब शीट बनाना है उसको यहाँ पे चाइल्ड और ये देना पड़ता है। तो वही चीज रिलेशनशिप ही हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और चीज है, यहाँ पे T1 है, T2 है और T3 है। अब मान लीजिए कि T1 T2 के बीच में करना चाहता हूं, कि T2 जो है चाइल्ड है और T1 जो है हमारा क्या है, बेंची मेन सीन। नहीं है, T3 करते हैं, T3 और T1 के बीच में करता है। तो T1 को सिलेक्ट करके और जाता हूं मोर सब शीट, सब शीट पे आया। अब इस पे मैंने सिलेक्ट किया T1, ठीक है ना।
लिंक मास्टर फिल आईडी, नहीं यहां पे हमने सीआईडी लिया और यहां भी सिर्फ अच्छा इसके बीच में रिलेशनशिप। हाँ दिखा सर, इसके नीचे पीछे अंदर भी है। देखिए सेम ही आ रहा है, क्योंकि सही हो क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं किया था मैंने, तो अच्छा इसलिए इसी को फिल्टर कर दिया है। जब हम टू नंबर अगर यहाँ पे आते हैं, टू नंबर को सिलेक्ट कर कॉपी करते हैं, तो ये देखिए इसी को फिल्टर कर दिया, रिमूव कर दिया ना। तो क्या करना है हमको इसके लिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से फिल्टर हटा देना है और मोर पे आना है और सब शीट में सबसे पहले रिमूव ऑल कर दो। रिमूव हो गया, अब जाना है हमें जी जी रिलेशनशिप, डेटाबेस टूल्स रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे टेबल को ऐड करना है, कौन सा, T1 और T3। यहाँ पे क्लिक किया, मूव करा, और मूव करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको हटा दिया, इसी एक कॉपी बन गया। T2 नहीं, मुझे T3 चाहिए, ठीक है। और इसका जो जी आईडी है, इसका CID, उसको लेके इसके ऊपर ड्रॉप एंड क्रिएट। अब इसको क्लोज करते हैं सेव करते हुए। अब आते हैं हम T1 के अंदर, अब जाते हैं यहाँ पे मोर और करते हैं सब शीट। सब शीट में T3 देते हैं, मास्टर फिल के साथ CID हो गया और चाइल्ड फिल हमारा आईडी है, देन ओके। अब देखिए देखा जी इस तरह से सब सीधा करेंगे। ये आपका VVA का है जो कि उठा के ला रहा है। जी जी इस तरह से आप सब शीट तैयार कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप समझ में आया, अब एक से जी ज्यादा रिलेशनशिप कर सकते हैं। और रिलेशनशिप होने के बाद जो आपका ये बेनिफिट होता है, ये आप देख ही रहे हैं कैसा बेनिफिट है। तो सब शीट बनाने की जी जरूरत नहीं है, सब शीट बनाने पे भी यहाँ पे आराम से आप यूज कर सकते हैं बिना सब शीट का, ठीक है। जी तो होम मेनू बार हम क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद हम टेबल टूल्स क्लिक कर चुके हैं, नहीं टेबल्स में रिलेशनशिप क्लिक किया है बाकी नहीं। उसके अलावा एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हमने आपको बताया था डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, जी इंपोर्ट करने जी के बाद इंपोर्ट करना समझ में आ गया, कोई जी बताया जी जी दिक्कत इसमें। नहीं सर नहीं चल